वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया के बारे में और ये मेडिवल इंडिया का लास्ट चैप्टर है एससी चिसल के सीरीज का। इसमें हम पढ़ेंगे मराठा स्टेट के बारे में जो कि 1664 से लेकर 1720 तक चला था। ठीक है, इसके सबसे पहले रूलर को हम पढ़ेंगे। पहले रूलर थे वो थे हमारे शिवाजी जो कि 1674 से लेकर 1680 तक रूल किए थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये 1627 में पैदा हुए थे शिवनेरी फोर्ट में। इनके जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले और माँ का नाम था जीजाबाई। इनके रिलीजियस टीचर थे, जो गुरु थे इनके, वो थे समर्थ रामदास। शिवाजी को पूना अपने फादर के जागीर में, पिता के जागीर में मिला था, ठीक है, रूल करने के लिए। फिर इनके जो गार्जियन थे दादाजी कोंदेव, जब वो 1664 में मर गए तो शिवाजी ने इस पूरे पूना का पूरा फुल चार्ज ले लिया था, ठीक है। और एक बार हुआ क्या था कि अफजल खान को भेजा गया था आदिल शाह के द्वारा। आदिल शाह जो थे रूलर ऑफ बीजापुर थे, जिन्होंने अफजल खान को भेजा गया था इसलिए कि वो शिवाजी को मारे, बट शिवाजी ने अफजल खान को ही मार दिया था। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये शिवाजी होगा ना कि आदिल शाह, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों अगले रूलर के बारे में, वो थे संभाजी। संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक रूल किए थे। संभाजी ने प्रोटेक्शन दिया था अकबर टू को, और अकबर टू वो थे औरंगजेब के बेटे थे जो रिवेलियस हो चुके थे, मतलब छूट हो चुके थे, कुछ भी कर रहे थे, अगेंस्ट हो चुके थे अपने अपने एम्पायर के, ठीक है। और संभाजी थे वो अपने शिवाजी का बड़ा बेटा था और उसने राजा राम को हराया था, और जो राजा राम था वो शिवाजी का छोटा बेटा था। इन दोनों में वार जो लड़ाई हुई थी इसीलिए हुई थी कि कौन शासन करेगा, इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो संभाजी ने अपने छोटे भाई राजा राम को हरा दिया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साहू के बारे में जो कि 1707 से लेकर 1749 तक रूल किया था। वो थे साहू वॉज रिलीज बाय मुगल एम्पायर बहादुर शाह। साहू को मुगल एम्पायर बहादुर शाह ने छोड़ा था। जो ताराबाई का आर्मी था वो डिफीटेड हुआ था किससे, भाई साहू से, कौन से बैटल में, खेत के बैटल में। और जो शाह था उसने ऑक्यूपाइड किया था क्या, सतारा को, ठीक है, जो सतारा है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था। तो इस ये कहानी है साहू के लिए इतना, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में जो कि एडी 1713 से लेकर 1720 तक रूल किए थे। उन्होंने अपना जो करियर था वो शुरू किया था एक रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब टैक्स ऑफिसर की तरह पे, और उसको टाइटल मिला था सेना करते, मतलब मार्केट ऑफ आर्मी, जो आर्मी का जो सब काम होता था उससे वो किया जाता था। भाई किससे मिला था, भाई साहू से, कौन से साल में, 1708 में। फिर वो 1713 में जाके पेशवा बने थे, ठीक है दोस्तों। इतना ही है हमारे मराठा के बारे में जानने में। इसके बाद अगर आप जानते हैं तो ये हम लोग जान सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो और मराठा वार जो हुआ था वो चला था 1775 से लेके 1782 तक। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 से लेकर 1806 तक, और थर्ड एंग्लो वार और मराठा वार हुआ था एडी 1817 से लेके 1818 तक, ठीक है। तो ये था आपको मराठा के बारे में दोस्तों, इतना ही है ये, और हमारा मेडिवल इंडिया खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम अगले वीडियो से मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर में कैसा लगा आपको, और कोई टॉपिक जानना है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, हमें आपको डिटेल भी पूरा समझाएंगे। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसे वीडियोज़ अगर देखने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सब्सक्राइब करिएगा, आपको सारा वीडियो आपके पास मिल जाएगा। पर दोस्तों सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, आप सब्सक्राइब कर लिए, हो सकता है कोई यूट्यूब नोटिफिकेशन ना भेजे हर वीडियो के ऊपर, बट अगर आप बेल आइकन दबा लीजिएगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास तुरंत फ़ोन में मैसेज आ जाएगा एक नोटिफिकेशन टाइप का कि हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, तो आप उसको तुरंत देख पाएंगे। और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हम और भी लोगों तक पहुँच पाए, और अच्छे जिस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हमारा ऑडियंस बढ़ा हो। तो हमारा जितना ऑडियंस बढ़ा होगा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है उसके हिसाब से, तो हम और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लेके पाएंगे और अच्छे क्वालिटी अच्छे क्वांटिटी के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोबारा आते रहिएगा, धन्यवाद।